से जो चार्जेस लग रहे हैं आजकल, ये ई कॉमर्स के नाम पे हो, चाहे ये हो कि हम पूरा सिस्टम बदल देंगे और एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाएंगे, उस कैशलेस इकोनॉमी का खर्चा कौन उठा रहा है? क्या ये वो निजी कंपनियां हैं जो आधार कार्ड के दौरान आई थी और उसके बाद जो डीमोनेटाइजेशन हुआ उसके दौरान आई थी? हर एक ट्रांजैक्शन पे आपका जो एक कॉस्ट है वो इन निजी कंपनियों को जा रहा है, लाखों करोड़ों रुपया साल का ये निजी कंपनियां बनाएंगी। ये पैसा जो है वो उपभोक्ता का है और छोटे उपभोक्ता का है जो छोटी सी भी ट्रांजैक्शन करना चाहेगा। और अब आप देखेंगे कि हमारे यहाँ फोन बैंकिंग आ जाएगा जिसमें कि आप अन्य देशों में ई पैसा है, जैसे मोबाइल पैसा है, एम पैसा है, केनिया में है और अन्य अफ्रीका के राष्ट्रों में है, देशों में वो आ जाएगा। उसमें भी जो फोन कंपनी है वो हर ट्रांजैक्शन पे एक कॉस्ट आपके ऊपर इम्पोज करती है। तो ये सोचने की बात है कि इसका भुगतान कौन करेगा। इसका जोर जो है वो उपभोक्ता पे आना चाहिए कि ये जो कॉस्ट है ये कंपनीज को बेयर करना चाहिए। थैंक यू।